ये हमारी नानी है और गांव में देखिए खटमल को लोग किस तरह से मारते हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा खटमल नीचे गिर रहा है और ये पूरे गांव में फैला देंगी नानी जी, डंटा से ठोक ठोक के पूरा खटमल को निकाल रही है। ये देखिए, अरे इसमें दवाई उवाई छिड़किए, गंदा खटिया रखिएगा तो खटमल नहीं होगा, बारिश में अक्सर ये हो ही जाता है और ख़ास करके इस खटिया में होता है। बाप रे, इतना ज़्यादा नीचे रेंग रहा है ना, आपको नहीं ये दिखाएंगे वही ठीक रहेगा आपको। कहा गया दुकान वाला, दुकान बंद करके देखिए गांव में लोग ससुराल चले जाते हैं, इसलिए गांव का लोग तरक्की नहीं करता है, बिजनेस को बिजनेस के तौर पर नहीं देखता है, सोचता है कि चलो टेम्पररी वर्क है, मन होगा तो खोलेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं खोलेंगे। पूरा गाना सुन रहे हैं मामा जी। चलिए चलते हैं खेत, प्रकाश खेत में है, जाना है कुज्जू। अभी पैदल चलते चलते खेत आ गए हैं और ये देखिए कल ये जो बिहन है इसको हम लोग उखाड़ रहे थे, आज भी उखाड़ा जा रहा है, प्रकाश भी उखाड़ रहा है और सामने वाली खेत वहाँ पर भाभी उसको लगा रही है धान को। एक बार जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए पोल के सामने से, यहाँ सामने में कुआं है, कल पानी हम लोग लगाए थे खेत में और आज उसकी रोपाई हो रही है। आज भी देखिए बारिश के बहुत सारे आसार हैं, मौसम तो लग रहा है कि बारिश होगी लेकिन हो नहीं रही है। ये जूता पहन के मैं खेत में आ गया हूँ, धान वाली खेत में, आप समझ सकते हैं कि बारिश कितनी कम हुई है। अभी कुज्जू जाने का प्लान है तो प्रकाश को फ़ोन किए तो बोला कि मैं भी चलूँगा साथ, तो रुक गए और यहाँ खेत आ गए। मैं पहले ही नहा धो के रेडी हो चुका हूँ तो ये भी ज़्यादा नहीं उखाड़ेगा, और कितना उखाड़ना है, बस तीन चार मुट्ठी ना, तो उखाड़ते हैं और चलते हैं कुज्जू। कुज्जू जाने का वजह है क्योंकि एक हमारा मित्र है, काफ़ी दिनों से बीमार है और समय नहीं मिल पा रहा था, तो आज जाते हैं भेंट मुलाकात कर लेते हैं, देखते हैं उसकी तबीयत की क्या स्थिति है। और चलिए इसी के साथ आज वीडियो शुरू करते हैं। कहाँ जाएगा, उतर जाएगा ना, जाने के लिए जिद नहीं न करेगा। कितना देर बैठेगा बता दे, कितना देर? 20 घंटा? अरे इतना देर नहीं ना रुकेंगे, 10 घंटा? 10 घंटा भी ज्यादा है, तो 5 घंटा? 5 घंटा भी ज्यादा है, तो 1 घंटा? 1 घंटा भी ज्यादा है, अभी जाना है ना, कुज्जू जाना है, क्या चीज करने तुम जाएगा, क्या चीज करने? 5 मिनट बैठने का मिलेगा। 5 मिनट? आप अमित बोले थे 5 मिनट, तुम 5 घंटा बोला था। खोल दो, सांप उप निकलेगा, देखना बच के रहना। अरे क्या निकला, सांप था ने? फिर से खोलो, सही में सांप था। सांप था ने? चल मैं बंद कर देता, बंद कर दिया, खुलेगा नहीं, नहीं खुलेगा। जाओ पापा को भेजो, जल्दी जाओ, जाना है तो। हाँ तो आप मेरे पापा को लेके जाइएगा। हाँ इतने घर में कैसे करूँ, मम्मी आ जाएगी तब तक खेत से। नहीं दादू, जाओ जाओ जाओ, जल्दी बोलो जाओ। नहीं दादू, लेके आप चाहिए, देखो ना दुकान में कपड़ा पहन के वो खड़ा है, जा। पर हम तोड़ते बैठ जाएंगे। हाँ ये ना कचरा रखते गरियान में। कहाँ कचरा है, इधर और इधर। अरे वो कचरा नहीं है, गाड़ी का जैक वाला है, गाड़ी का जैक वाला है। देखिए दोस्तों, कल हम लोग खेत में कुआं से पानी लगा रहे थे और आज हल्की हल्की बारिश हो रही है, अभी अगर ज्यादा बरसती है तो खेतों में पानी लग जाएगा।
ये काफ़ी अच्छी बात है। भगवान से दुआ करेंगे कि थोड़ा सा और ये बरसे। और अभी हम लोग निकल गए हैं कुज्जू, और मेरी कार में एक कॉमन समस्या आ रही है कुछ दिनों से, चूहे आने की। और ये जो एसी ब्लोवर इसका यहाँ होता है, वहाँ पर चूहा फंस गया है। अभी बारिश हो रही है तो इसका फोग हटाने के लिए एसी चालू किए, तो वहाँ से काफ़ी दुर्गंध आने लगी। चूहा का जो मरा हुआ दुर्गंध होता है वो एसी वेंट से आने लगा, तो लास्ट में एसी हमको बंद करना पड़ गया। अब रास्ते में कहीं इसको खुलवा के दिखाना पड़ेगा, कहीं ज़्यादा चूहा और गल गया तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। और चूहा का मरने के बाद जो गंध होता है बहुत ही बुरा गंध होता है, एकदम बर्दाश्त से बाहर होता है। तो बीच में कहीं मैकेनिक कोई मिलेंगे तो खुलवा के इसको पहले साफ़ करवाएंगे। और देखिए अभी वहाँ बारिश हो रही थी, इधर बारिश कम हो गई। तो अभी देखिए शाम हो गया है और कुज्जू में ही घूम रहे हैं। ये बाईपास वाला रोड है और कुज्जू में जो मित्र को थोड़ा सा भेंट मुलाकात करने आए थे हालचाल जानने के लिए, तो वो तो मिला नहीं। अभी 2-3 दिन पहले बात हुई थी तो घर पर ही था, और अभी संडे को शायद ना रे संडे को उसको जो है डॉक्टर लखनऊ रेफर कर दिया, तो लखनऊ चला गया, तो मुलाकात तो हो पाई नहीं। तो अभी फ़ोन में बातचीत करते हैं कि क्या उसकी स्थिति है, और फिर बाद में कभी मिलते हैं तो आप लोग को भी मिलवाते हैं। अब यहाँ से हम लोग को जाना है कुज्जू चौक, वहाँ पर प्रकाश को शायद कोई मेडिसिन वगैरह भी लेना है, और छोटे मोटे कुछ कुछ काम है तो यहाँ कर लेते हैं फिर निकलेंगे घर। जाते वक्त भी यहीं फंसे थे और आते वक्त भी यहीं फंसे हैं, मतलब अगर 100 टाइम्स इस रास्ते से आप गुजरते हैं तो 95 बार ऐसा होगा कि आपको ये गेट बंद ही मिलेगा। ये देखिए इसका एक वजह है कि यहाँ पर रेलवे साइडिंग है, मतलब क्या उसको बोलते हैं जी, कोयला लदाई होता है, तो जिसके वजह से ये अक्सर ट्रेन यहाँ आगे पीछे होती है, जिसके चलते ये बंद ही मिलता है। और रात का देखिए कितना बज गया, 10:39, मतलब 10:30 बज गया है। और यहाँ से हम लोग का घर करीब करीब 18-20 किलोमीटर, नहीं 15 किलोमीटर नहीं ज़्यादा होगा। कितना लंबा रहता है? अरे ये कोयला वाला बहुत लंबा रहता है, 150 बोगी रहता है। ये देखिए इधर गाड़ी तो ज्यादा लाइन नहीं है। हम लोग क्या बोले, जहाँ जो गए थे जा रहे थे वहाँ फाइनली देखिए घर पहुंच गए हैं। 11:04 हो गया, आधा रात हो गया ना। यहाँ कैसे खुलेगा रे, बाइकवा से? नहीं मेरा गेट नहीं खुलेगा, घर से इधर से इधर से राइट साइड से ना। इधर भी सट रहा है रे, कैसे आज गाड़ी लगा दी है। कुछ कुछ सामान है सुबह उतारेगा। थारा वाला कुत्ता सब हल्ला कर रहा। ठीक तो निकलो।